सुबह होते ही लाला ने अपनी योजना बनाई सभी सखाओं को बुला करके कि चलो आज कुछ खेल खेलेंगे। कि कहा कि काली देव जाकर के खेलो। बताते हैं कि दामा मनसुख सब गए और दामा की जो माँ थी उसने कपड़े की गेंद बना करके और दे दी कि जाओ गेंद का खेल होगा। गेंद बना करके दे दी। कन्हैया ये बीच में खड़े हो गए चारों तरफ से सभी सखा। अब एक दूसरे को गेंद फेंक फेंक कर देते जाते हैं लेकिन कन्हैया को जो करना वही करेंगे। कन्हैया जी ने क्या किया कि जैसे ही कन्हैया जी का नंबर आया और ऐसा टोल मारा कि सीधी गेंद काली देव में जाकर के गिर। दामा ने क्या किया कि जाकर के उनके पीतांबर को पकड़ लिया कि कन्हैया आज मेरी गेंद मुझे चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो कन्हैया जी कहने लगे कि तो तेरी गेंद चाहिए तो गेंद लाके दूंगा लेकिन पीतांबर क्यों खींचता है? पीतांबर तो छोड़ दे फट जाएगा। बहुत सुंदर पीतांबर है मेरा। लेकिन नहीं, दामा ने पकड़ लिया। कन्हैया जी ने बहुत समझाया कि तेरी गेंद दे दूंगा पर छोड़ तो दे लेकिन नहीं छोड़ रहा। आज कन्हैया जी कहने लगे सुन कि कुछ ना होगा इस मसले पर ओ क्यों विषय उखाड़े देता है। इस मसले में कुछ नहीं होने वाला है। गेंद की गेंद ही मिलेगी लेकिन तू तो ऐसा लगता है कि तेरे मुंह से जहर निकल रहा है। तू मेरे साथ रहा और तू मेरे साथ ही ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे कि तू मुझे जानता ही नहीं हो। विकास कि कुछ ना होगा इस मसले पर ओ क्यों विषय उखाड़े देता है। उस फटे हुए जितने के लिए ओ पीता पर भाड़े देता है। कुछ ना होगा उस मसले में उस फटे हुए चितड़े के लिए मेरा पीतांबर फाड़ता। कन्हैया ने फिर द्वारा समझाया कि सुन यदि मेरा मौका लग बैठा। दामा सुन ले यदि मेरा मौका लग बैठा तो मुंह से लोहू ढाएगा। ओ दामा तेरी खैर नहीं जो पैर श्याम से खाए। रक्त को मन होने लगेगा रक्त निकलने लगेगा। पता नहीं तुझे अभी श्याम की ताकत कितनी है। दामा भी थोड़ा क्रोध में आ गया। कहने लगा सुनो यदि मेरे मुक्का मारोगे कन्हैया यदि मेरे मुक्का मारोगे तो लाठी भी मेरी हिलती है। लाठी भी मेरी
मिलता है तुमको दध माखन, तुम अपने दही और माखन के बल पे अगर अपनी ताकत दिखा रहे हो तो छाछ तो हमें भी मिल जाती है, ऐसी बात है, थोड़ी बहुत ताकत तो हमें भी होगी। लेकिन मसला शांत नहीं हुआ, झगड़ा दोनों का, तो कन्हैया ने कहा चल ठीक है अब हम तेरी गेंद ले नहीं जाते, कदम के पेड़ पर चढ़े और वहां से सीधे काली दे में छलांग लगा। सुबह से दोपहर हो गया लेकिन कन्हैया जी लौट के नहीं आए। सखा सोचने लगे कि अब तो कन्हैया वापस नहीं आएगा, क्योंकि इस टहरी के जल में जो गया है वो वापस लौट करके जीवित नहीं बचा। सखा रोने लगे, दामा से कहने लगे अरे दामा तूने आज हमारे कन्हैया को इस संसार से जुदा करा दिया, उस पशु चित्रणी के लिए तूने आज हमारे कन्हैया को हमसे जुदा कर दिया। उधर कन्हैया जब काली देह में पहुंचे तो कालियानाथ अपने विश्राम कर रहा था और जो उसकी पत्नियां थी वो सब उसका पहरा लगा रही थी। कन्हैया जी पहुंचे, नाग पत्नियों ने देखा कहा के बालक कहां से आए हो? कन्हैया जी कहने लगे हमारी गेंद आ गई है, गेंद लेने आ। नाग पत्नियां कहने लगी कि गेंद तो यहाँ नहीं है लेकिन अब आप यहाँ से चले जाओ उसी में फायदा है। मना कर दिया नहीं जाएंगे, गेंद आई है तो गेंद लेके ही जाएंगे। नाग पत्नियों ने कहा कि सुन तुझे भी पता नहीं है कि ना तो तेरी गेंद मिलेगी और ना ही तेरे प्राण बचेंगे। अगर हमारे पति अगर जग गए तो ना तो तुझे गेंद मिलेगी ना तेरे प्राण बचेंगे, इससे अच्छा है कि चले जाए। कन्हैया जी को क्रोध आ गया, अच्छा पति की धमकी तो जगा दे अपने पति को, देखते हैं कि प्राण किसके बचेंगे, हमारे बचेंगे या तेरे पति के प्राण बचेंगे। उधर मनसुख दौड़ा दौड़ा पहुंचा नंद महल में, जाकर के पछाड़ खाती मैया दौड़ी दौड़ी आई कि क्या बात है मनसुखा, क्या बात है, क्या हुआ, किसी ने क्या तुम्हें मारा पीटा, क्या बात हुई? मनसुखा के मुंह से आवाज नहीं निकल रही, बस केवल इतना ही कह रहा है कि मैया कन्हैया तो यमुना, मैया कन्हैया तो काली देह में, बस इतना कहने से उसके आगे सब सही नहीं निकल पाता। मैया समझ गई कि आई तो कुछ न कुछ अनहोनी हो गई, मैया रोने लगी। नंद बाबा आए दौड़े दौड़े कि क्या होगा कि बाबा बाबा कन्हैया तो काली देह में कूद गया, ऐसी जब इतना सुना तो आंखों के सामने अंधेरा हो गया। रोने लगे सभी ब्रजवासी इकट्ठे हो गए कि भैया क्या हुआ कैसे हुआ। रो रो करके मैया पागल हो गई, दो चार गोपियों ने मैया को पकड़ा और ले जा करके चली जा रही काली देह पर पहुंची। मैया रो रो करके पागल हो गई, कहने लगी कि अगर तुझे बीच सफर में बीच में अगर मुझे छोड़ के जाना था तो तुम मेरी गोद में आया, इससे तो आता ही नहीं, 20 वर्ष और जीती उसके बाद तो मेरा देहांत हो ही जाता, पर लेकिन सारे सपने दिखा के तूने आज शुरू कर दिए। मैया रो रो करके पा सभी समझाते हैं पर लेकिन मैया कहां माने। अपनी मां को भुला के मैया रो रो करके कहने लगी कि लाला अपनी मां को भुला के यों भिखारन बना के वो बेटा कहां चले, बोलो कहां चले, मां को भुला के
Because